हमारे पास है बहुत सारी बर्फ और हम कराची जैसे गर्म शहर में मुहिब के लिए बनाने वाले हैं एक ऐसा घर जो कि बर्फ का होगा। लेकिन धूप तो अभी से आने लगी है तो पिघल जाएगी बर्फ। बस तुम अपने ठंडे ठंडे जोक्स मारो, नहीं पिघलेगी फिर। इधर मुहिब चेक तो करें, असली है या नहीं है यार। बहुत ठंडी बर्फ है गाइस। दोस्ती एक बर्फ का गोला है, इसे बनाना तो आसान है लेकिन बरकरार रखना बहुत मुश्किल। यार गाइस सबसे पहले बर्फ ही तोड़ दी यार इसने। कितनी सारी बर्फ यार, बहुत सारी ठंडी है, मैं तो वापस जा रहा हूँ भाई। सबसे पहले हमें इसका फ्लोर बनाना पड़ेगा बर्फ से। तो गाइस आप लोगों को एक जादू दिखाता हूँ। मिली होगी भी तो भाई इसको मैं आप लोगों को तोड़ना सिखाता हूँ। यू नहीं यार, ये देखो सीधा सीधा करना होता है यार। यार आपने तो अपने करियर में हर काम किया है ना भाई। मैं अभी गधे चराता हूँ। इतने सारे ब्लॉग थे तो हमें इतने सारे लोग बुलाने पड़े। अब इसी तरह की एक और गाड़ी आने वाली है तो काम बहुत मुश्किल होने वाला है। परसों मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो भाई ये जगह चोट लगी तो मैं बर्फ पे रहता हूँ, क्या सुकून मिल जाए। हम अपने घर की सेकंड लेयर की तरफ चले गए। आहिस्ता आहिस्ता चीजें भी टूटने लगी और बर्फ भी पिघलने लग गई। ये देखे गाइस इतनी ज्यादा बड़ी दीवार है, मुझे लगता है हमें कम से कम भी 100 से ऊपर ब्लॉक लग जाएंगे। भाई एक ब्लॉक का वजन कितना है? 70 किलो। 170 और हमें कितने ब्लॉक लग जाएंगे तकरीबन? 160-170 ब्लॉक लगेंगे गाइस। सोचे कितना बहुत खर्चा होने वाला है यार मेरा। गाड़ी करीब ले आए ताकि भाई बर्फ ना सीधा आके इसी पे मतलब हम लोग डाले और जल्दी जल्दी से घर बन जाए और फिर हम लोग मजे करें। चलो चलो चिपक गया, जल्दी करो, ये थोड़ी देर रुकेगा ये चिपक जाएगा यहाँ पे, जल्दी करो। यार फिर से तुमने तोड़ दिया यार, काम आएगा टूटा हुआ काम। वैसे यार बिल्कुल बीच में से तोड़ा है मुझसे तुमने। सबसे पहला ऐसा काम है जिसमें वजन भी उठाना पड़ रहा है और हमें गर्मी भी नहीं लग रही यार। ये क्या कर रहे हो पागल? बच्चे खाते हैं ना बर्फ को। तो सही, ये बच्चा है गाइस, ये बच्चा। अरे क्यों खा रहे हो? मुझे तो ये बोल रहे थे। मैं कौन सा बुड्ढा हो गया? ओए मेरे तो जुबान वो सुन हो गई है, पता है गाइस। इस जगह पे फिट करने के लिए मुरसलीन इस बर्फ को भी तोड़ रहा है। ये देखो सारी भी टूटा। अच्छा चश्मे लग जाएगी। अबे लग जाएगी भाई, सोचो अगर किसी ने दिमाग पे यूं कर दिया यार। मुहिब का दिमाग ही नहीं है वैसे, ये भी बात है। ये बिल्कुल सही बात है गाइस, क्योंकि मैं भाई किसका हूं आप लोगों को पता है। जब बर्फ के काम में भी पसीना निकलने लग जाए ना तो समझ जाना कि मेहनत हो रही है गाइस। आज हमें डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होगी। हाँ सही बात है गाइस। इस प्रोसेस का सबसे मुश्किल काम है इसको नीचे उतारना, कमर में दर्द करती है। ये एक सरप्राइज है बेटा, ये वाली बर्फ में कहाँ से लाया हूँ गाइस? ये बर्फबारी वाली स्नो है, ये मैं कहाँ से लाया? ये सरप्राइज है भाई। गाइस मेरे पास एक और आ चुका है। रीयूजेबल चीज है, देखिए भाई यही तो सरप्राइज है, तुम लोगों को पता चलेगा। मैं सिर्फ ये चीज थोड़ी करूंगा, जलमी प्लेस की वीडियो है, बहुत सारा कुछ होने वाला है गाइस। टेक लगाने में मजा आ रहा है यार। यहाँ पर हाथ सुन हो चुके हैं। चोट पे मारा इसने, साजिद भाई इसने चोट पे मारा तुमने? किधर मारा है? इस तरह बिचारा है। आपके चक्कर में कंटेंट बनाते हुए एक गाड़ी वाले ने एक्सीडेंट कर, क्या कह रहा था गाड़ी वाला? गाड़ी चलाने से पहले फुल तेज गया, बोलते हैं मैं थोड़ी रफ ड्राइविंग है माजरा उसके ना, और उसके बाद इनका एक्सीडेंट करा दिया। पास के भी सर पे चोट लगी है, शुक्र है सर खाली था, दिमाग नहीं था तो बचत हो गई। जगह की देखो भाई, अभी तो हमने बनाना भी स्टार्ट किया, अभी से पिघलने लगी, हमें हम लोग इसमें पूरा दिन कैसे गुजारेंगे? तो सिर्फ इसका एक ही आइडिया, साजिद भाई इधर आओ जल्दी से, इधर आओ। ये देखो बर्फ अभी से पिघल लिया, हमें पूरा दिन मतलब गुजारना है, तो आपकी वीडियो लगा के नहीं पिघलेगी। गाइस इतना सहना पड़ता है मुझे ये दर्द यार, इस जैसे घटिया अंडर रेटेड ओवर रेटेड। गाइस ये बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, इसलिए हम मुहिब को सैंडविच बना रहे हैं, बर्फ का सैंडविच। क्या हुआ गाइस? इसको मैं हवा में फेंकता हूँ, देखता हूँ। अभी हम लोगों ने आधा घर ही बनाया है, इसको बाकी भी बनाना है। अभी हम लोग ट्रक वाले को भेज रहे हैं ताकि एक बार दोबारा फुल लेके आए यार। पर हम चाहते हैं एक मजे की चीज बने यार, पूरा का पूरा एक ऐसा महल। और ये भाई जल्दी प्लेस के भाई छोड़ो यार। बैगन पूरे सर्जी भाई के हाथ में गया है। ये लाया हूँ बहुत मजे की चीज। हाँ और तुम्हें एक बात बताऊँ, सबके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आ जाओ भाई और ये हमारे पास आ गया गाइस। इतनी ज्यादा बर्फ कभी आपने देखी है? नहीं। पूरी बर्फ का गोला घंटा बन जाएगा।
कितना खर्चा आएगा? 20 करोड़। चलो गाइस ये देखिए कितना गंदा है, मैं आप लोगों को आज बर्फ के घर के फायदे बताता हूँ। वो कहते हैं जिसका घर शीशों का होता है वो अपने कपड़े बेसमेंट में बदलता है, और जिसका घर बर्फ का होता है वो अपने कपड़े ऐसे धोता है। गाइस साफ सुथरा तकरीबन, अब कोई दाग बच के दिखाए। बना रहा हूँ गाइस उनको अभी यार, एक साइड से ग्रीन रेड, एक साइड से ग्रीन और एक साइड से येलो। भाई येलो येलो जल्दी से इनके लिए मैंने तैयार कर दिया, पर आज के लिए हमारे पास खाने को कुछ नहीं है भाई, बर्फ में रह रहे हैं और बर्फ ही खाएंगे। ठंडी वीडियो है गाइस, ये क्या बात है यार, ये सिर्फ बर्फ खाएंगे। सबसे अच्छी वाली चीज तो डाले ना गाइस, पहले भाई मजा आ जाएगा यार इसके साथ। साइडों से इतनी ठंड लग रही है गर्मी के मौसम में, भाई जन्नत है यार। आप लोग भी अपने लिए घर में बनाए, घर में बनाए घर में फ्रिज में रखे रखते रहे बर्फ, एक डेढ़ साल जमा कर ले बन जाएगा। हाँ सही बात है। एक काम करो आप लोग, मशीन लो। किसकी? इसी चसो की, चसो की तो हमने एक ली है गाइस जो चसे मारती है। बर्फबारी हो रही है। अच्छा अभी हम लोग समझे भाई, शाजी भाई जो कब से बर्फ ला रहे थे वो इसी से ला रहे थे। यार हम तो नहीं बनाते, शाजी भाई मारते चलो। बर्फ का पहाड़ बना दिया है इतना ठंडा कर दिया, पड़ोसी भी आ गए कि यार ये कौन से महीने में सर्दी पड़ने लग गई। भाई मास्क खत्म हो गया, जल्दी मार दे। बुरा 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 बचोगे माइक किया गाइस, गर्मी इतनी ज्यादा कि इसके अंदर चला गया, पूरा शेप बना दिया। जाहिर है भाई इतना गर्मा गर्म कंटेंट बना रहे तो इस तरह तो होगा ना। तो गाइस हमारे पास है 3 बर्फ के टुकड़े, तीनों अलग अलग पड़े हुए। एक पे हम नमक डाल के उसको बचाने की कोशिश करेंगे, एक पे भूसा डाल के बचाने की कोशिश करेंगे, और एक को गर्मा गर्म लोहे पे रखेंगे। देखते हैं सबसे ज्यादा जल्दी कौन सा पिघलता है और सबसे ज्यादा रुकता कौन सा है। ये बहुत सारा नमक है, ये मैंने इस पे डाल दिया गाइस। तो गाइस नमक वाला तो हम लोगों ने बंद कर दिया, अब नेक्स्ट चीज करते हैं। आज नेक्स्ट वाले में हम लोगों ने डालना है ये भूसा। मोहित खाने ना लग जाए भाई, चल मां जल्दी कपड़ा डाल दो, कपड़ा डाल दो कपड़ा। तो गाइस ये 3 हम लोगों ने कर दिए, ये 1 हम लोगों ने खुला छोड़ा है गर्मा गर्म लोहे पे, इसके अंदर भूसा भरा हुआ है और इसके अंदर भरी हुई है बहुत सारी नमक। और देखना पड़ेगा कौन सबसे ज्यादा सरवाइव कर पाता है। आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दो क्या आप लोग क्या कहते हो। तुम बताओ तुम क्या लेना चाहते हो। नमक? मैं कहता हूँ नमक यार। नमक? वो 2 नमक मुझसे इधर आ, इधर ये भूसा, भूसा मैं भी भूसा। तो गाइस फाइनली और बस नेक्स्ट बर्फ का ट्रक आ चुका है। आ जाए पीछे ले आओ, बोला पूरा बनेगा, सोचे ये सारी लगेगी, इतना ऊंचा बन जाएगा मजा आ जाएगा यार। नहीं लगी अभी, नहीं लगी, पीछे लाओ पीछे लाओ। नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी, ले आओ ले आओ। आज लग गई। पहले तो बताना होता है, आपने ही बोला था कि जब लग जाए तब बता देना। ओ भाई गाइस हमारी तो हालत खराब हो गई यार, 170 किलो का एक एक है भाई, ये पता नहीं कैसे कर रहे हैं यार, इनकी हिम्मत को सलाम है यार। अंदर चलते हैं हम लोग, चप्पल के साथ जा रहे हैं भाई। देखो भाई फ्लोर भी, कितनी ठंड है अंदर यार। सिंह पकड़ ले मैं छोड़ रहा हूँ। फाइनली गाइस हमारा कमरा जो है वो पूरे तरीके से भाई ठंडा कितना है, तैयार हो चुका है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत जगह है भाई, बहुत जगह है यार हमारे पास। अभी ज़्यादा में बहुत जगह है, पीछे पीछे लग रहा है फ्रिज के अंदर है, लग रहा है इतना बड़ा फ्रिज है भाई। यार पहले ये घर टूटने वाला, तुम लोग पिघला दोगे इसको भाई, पूरा घर टूट जाएगा, मेरे सर पे गिर जाएगा, फिर क्या करूंगा मैं। एक्सपेरिमेंट करने वाले, कोयला बर्फ को पिघलाता है या बर्फ कोयले को ठंडा करेगा। इसका मतलब यहाँ पर बर्फ जीत चुका है ये। यार तो ये तो भाई बर्फ के नहीं, कोयले के साथ इंसाफी नहीं है। कोयला इतना छोटा सा बर्फ, इतना पूरा घर बर्फ, कोयला इतना गर्म क्यों होता है? कोयले की गलती बेचारे की तो नहीं है ना, इसने गर्म किया ना उसको, तो वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। यार साजी भाई आपने इतना बड़ा बर्फ का रूम बना दिया, पैसे आपने कमाए कैसे? मुझे भी इतने पैसे कमाना, मैंने भी इतनी चीजें ली है भाई। तुम जानना चाहते हो कि मैंने पैसे कैसे कमाए? एक ऐप है जिसका नाम है पॉकेट ब्रोकर। अच्छा तो इस तरह आपने पैसे कमाए, पर आपको तो ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है भाई। यही तो इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात है। ये देखो यार आप किसी भी स्मार्ट ट्रेडर की ट्रेड को कॉपी कर सकते हो। देखो मैंने जैसे यहाँ पे सोशल ट्रेड पे क्लिक किया, फेवरेट ट्रेडर का नाम सेलेक्ट किया और कॉपी
द स्ट्रेटेजी पे क्लिक करके कंफर्म कर दिए। भाई ये डेमो अकाउंट भी प्रोवाइड करता है नए यूजर्स के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग के बारे में सीख सके। उसके अलावा ये वन ऑफ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है यूजिंग बीटीसी और ETF एसेट, और रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट भी अप टू 92% है। इसके अलावा आपको कुछ ही दिनों में बहुत सारे और भी क्रिप्टो के एसेट मिलेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल टर्म्स पे। भाई मैं तो जा रहा हूँ डाउनलोड करने, मुझे पता है ऑफिशियली प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जी हाँ, ये ऑफिशियली आप लोगों के लिए प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और अगर उसके अलावा आप Zalbi60 मेरा जो कोड है उसके साथ साइन अप करेंगे तो अप टू 60% का बोनस आपको मिलेगा अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और कमेंट में भी पिन है, जल्दी से जाए अभी रजिस्टर कर। गाइस ये है हमारे हरान भाई जो हमारे इस तरह के एक्सट्रीम जितने भी चैलेंजेस थे, जैसे क्रेन वाले जितने भी चैलेंजेस थे, सारे के सारे में इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। हरान भाई अभी आपको हम ट्राई करवाएंगे, ठीक है। फाइनली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आ चुका है, क्योंकि भाई हमने बर्फ के घर में कोयले रख के भाई ये क्या कहते हैं बारबेक्यू की है। एंड भाई ये मुसाई ने बहुत मेहनत से बनाई है। ये तो यहाँ का एनवायरनमेंट की वजह से ज्यादा अच्छा लग रहा है। भाई मीठे में क्या है अब? ये तो उसको पता होगा ना, उसका भी इंतजाम है। इन बर्फों से तेरी दोस्ती अच्छी नहीं, मुझे कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। यार ये देखो यार कितना टूट गया, आधे ज्यादा टूट गया है। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी जगह बना ली थी और मुरसलीन लेके आए गरम गरम जेली, इसको भी इसमें डालेंगे और बर्फ में वो ठंडी हो जाएगी। लोग फ्रिज में रखते हैं, हम इसमें डालेंगे। जेली डाल दिए। इस जगह का बेस्ट कॉम्बिनेशन यानी के चाय, ये देखे भाई चाय बन रही है। चाय लवर्स को पता होगा मैं कुछ भी बोलता हूँ कोई मानता नहीं है सिवाय आप लोगों के। यार जब भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ सब्सक्राइब, आप लोग कर देते हो गाइस सब्सक्राइब जल्दी से। सो फाइनली गाइस हमारी चाय और जेली रेडी होगी। अब जेली चेक करते हैं, हमने लिक्विड फॉर्म में डाली थी, अब क्या निकलता है। जब से बर्फ आई है जिंदगी में हम तो बर्तन भूल गए हैं यार। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने अपनी शेप ही इस तरीके से कर दी और काफी वो चिपक गया मुझसे। इसके बाद हम आते हैं चेक करते हैं बूसे को। अब हम आते हैं फाइनल जो के है नमक वाला। चलो 1 2 3 इसको खोलते हैं। और ये सबसे अच्छा इधर भूसा या फिर सॉल्ट या फिर खाली, ये विनर है वैसे। यानी कि गाइस ये और ये जो है जीत गए। फाइनली गाइस अब आ चुका है इसको तोड़ने का टाइम। तैयार हो मैं तो? मैं तैयार हूँ लेकिन मैं तोड़ने जा रहा हूँ। अरे घर जाते मार्केट से तो मैं दूसरा दिला दूंगा यार। फिर ठीक है फिर तोड़ो। चलो सब्सक्राइब कर देना जल्दी, गेमिंग पे भी मुझे 1 मिलियन चाहिए। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत, इस तरीके से क्रेजी और मजे के एक्सपेरिमेंट्स हम आपके लिए करते रहेंगे। मेरी जल्दी आर्मी लाइक सब्सक्राइब कर देना दुआओं में, और दिल में याद रखना अपना ख्याल रखिएगा, इसको अनसब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।